तो गाइस ये देखिए, जैसे ही मैंने वॉच पर वॉल फेस इंस्टॉल किया तो इंस्टॉलेशन के बाद इसकी जो लुक है आपके रूबरू है। अब हम इनके फीचर्स के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि सबसे पहले मैं आपको डाउन स्लाइड करता हूँ, तो डोंट डिस्टर्ब फीचर है। अगर आप इसे ऑन करना चाहते हैं कर दीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो आपके ऊपर डिपेंड है, ऑन करते ही डोंट डिस्टर्ब फीचर के बाद आपको कॉलिंग जो नोटिफिकेशन या अदर नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेंगे, वाइब्रेशन बंद हो जाएगी। ब्राइटनेस लेवल आप यहाँ से इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको लिफ्ट टू व्यू फीचर है, ऑन ऑफ यहीं से कर सकते हैं, मतलब ये फीचर भी यहाँ पे आपको एड ऑन देखने को मिल जाता है। और परसेंटेज भी आपको अब पोर्शन पे देखने को मिलती है कि जितनी आपका बैटरी बैकअप है, बैटरी चार्ज है, वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद आता है फ्लैश लुक, देन आता है ड्रेनिंग फीचर, जो कि अगर आप पानी में इसे यूज़ करते हैं तो ये इसकी आप साउंड वाइब्रेशन, तो ये जहाँ पर लिखा आ रहा है शेक एंड टिल्ट, तो आपने जस्ट ऐसे मूव आउट करना है, तो ये इसका ड्रेनिंग फीचर्स हो गया। देन इसके बाद आता है सेटिंग। सेटिंग में सबसे पहले आपको जाते ही वॉच फेस देखने को मिलता है। वॉच फेस में आपको जो इसके इनबिल्ट वॉच फेस है कितने हैं, एक मैं आपको शो कर देता हूँ, जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वॉच फेसेस आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक से एक बढ़ के खूबसूरत वॉच फेस है। जैसे कि ये वॉच फेस है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये वॉच फेस। तो जैसे ही हमने इसको इंस्टॉल कर दिया, अब सेटिंग में दोबारा से जाएंगे। इसके बाद वॉच फेस के बाद आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको ब्राइटनेस यहाँ से आप सेट आउट कर सकते हैं। स्क्रीन ऑन ऑन टाइम आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। लिफ्ट टू व्यू आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। देन आता है साउंड एंड वाइब्रेशन, साइलेंट मोड, रिंग वॉल्यूम। रिंग वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, वाइब्रेशन मैंने पहले ही वाइब्रेशन इसकी इतनी मॉडरेट में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि प्रॉपरली फील होता है इसमें। और इसके बाद आता है डोंट डिस्टर्ब फीचर। डोंट डिस्टर्ब में आप ऑल डे डोंट डिस्टर्ब, शेड्यूल्ड, तो जो भी आप सेट करना चाहें तो ये कर सकते हैं। इसके बाद बैटरी लेवल यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। अगर एंटर पावर सेविंग मोड तो यहाँ से आप उसे ऑन कर जाते हैं। देन आता है इसके बाद बैटरी लेवल के बाद जनरल। जनरल में आपको पावर ऑफ देखने को मिलता है, रिस्टार्ट देखने को मिलता है एंड रीसेट। रीसेट करते हैं आप कंपनी फैक्ट्री सेटिंग में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। देन आता है अबाउट। अबाउट में आप जाएंगे तो आपको फास्ट्रैक का मॉडल नंबर, वर्जन, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस यहाँ पे आपको सिंगल ही देखने को मिलता है, क्योंकि सिंगल मैक एड्रेस के साथ ही आपके कॉलिंग फीचर्स एंड नॉन कॉलिंग फीचर्स भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। देन आता है हेल्प फीचर। हेल्प में आपको क्यूआर कोड देखने को मिलता है, जो कि कनेक्टिविटीज के लिए होता है। ये हुआ डाउन स्लाइड करते। अब राइट स्लाइड करते, सबसे पहले नो म्यूज़िक, यानी म्यूज़िक का फीचर है। यहाँ से आप इसे प्ले आउट करेंगे तो म्यूज़िक प्ले हो जाएगा। इसके बाद आता है कि जो आज का टेम्परेचर है, जो आपका वेदर है, वेदर रिपोर्ट दिखाई देती है यहाँ से। देन आता है वियर द वॉच टू मोनिटर स्लीप क्वालिटी। तो इसके बाद आता है आउटडोर रनिंग, मोर पे क्लिक करेंगे, आउटडोर इनडोर रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग, बैडमिंटन, स्विमिंग, रो स्कीपिंग, तो ये मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी आप इसे रन आउट करना चाहें जितनी देर के लिए, जिसमें ड्यूरेशन भी आप सेट कर सकते हैं, और कैलोरी वगैरह भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, कितनी आपने इसे बर्न आउट करना है, तो ये आपको उसके बाद नोटिफिकेशन शो कर देगा जितना डिस्टेंस आप कवर अप करना चाहते हैं इस एक्सरसाइज के साथ। तो मतलब ये इसमें काफ़ी एड ऑन किया गया है। इसमें आप यहाँ पे एवरेज पेस, रोलिंग पेस, क्लॉथ, ये तीन फीचर्स इसके अलावा देखने को मिलता है। ओपन गोल्स में आप जो भी मतलब एक्सरसाइज को रन आउट करना चाहते हैं विदाउट एनी गोल्स, तो वो यहाँ से आप इसे रन आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे कटआउट कर देता हूँ, कटआउट करने के लिए सॉरी, ऐसे किया जस्ट बंद हो गया, रिकॉर्ड शॉर्ट था तो इसलिए सेव नहीं होगा। ओके, देन आता है मल्टी स्पोर्ट्स के बाद यहाँ पे आपको तीन फीचर देखने को मिलते हैं, जो कि हार्ट रेट है, SpO2 है एंड देन स्ट्रेस मॉनिटरिंग है। तो ये फीचर्स आप यहाँ से इसे रन आउट कर सकते हैं, आप मेजरमेंट जो भी करना चाहें। देन माई फिटनेस है, माई फिटनेस में आपके कितने कैलोरी बने, कितने किलोमीटर चले, कितने मिनट चले, तो वो सब जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब आता है अपस्लाइड। अपस्लाइड पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ये अलार्म का नोटिफिकेशन है, तो मैं इसे यहाँ से क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने टेस्टिंग के लिए अलार्म आपको लगा के दिखाए थे, 10 अलार्म इसमें सेट आउट हो जाते हैं। तो अब यहाँ से साइड बटन को प्रेस करते हैं, दो बार बटन को प्रेस किया, सबसे पहले आया माई फिटनेस। माई फिटनेस में आपको जैसे कि मैंने बताया फिटनेस के बारे में इसमें जानकारी देखने को मिलती है। इसके बाद आता है रिसेंट कॉल्स। रिसेंट कॉल्स में आपको जो कॉल्स आपको आपने ट्राई आउट किया होगा, वो उसका नाम अगर सेव्ड है तो नाम आएगा, इधर नंबर लिखा आएगा। तो इसके बाद आता है फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स। तो फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स में जो आपके सेव्ड कॉन्टैक्ट्स होंगे वो सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। इसके बाद आता है डायल पैड। डायल पैड से आप जो नंबर डायल करना चाहें वो करके कॉल कर सकते हैं।
देन मल्टी स्पोर्ट्स, मल्टी स्पोर्ट्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्पोर्ट्स रिकॉर्ड में आपको जो एक्टिविटी परफॉर्म की होंगी वो देखने को मिलेगी। देन आता हार्ट रेट, SPO2, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीपिंग मॉनिटरिंग, ब्रीथ, ब्रीथ में आपको कितनी देर के लिए एक्सरसाइज रन आउट करनी है वो देखने को मिलता है। क्लॉक में आप जाएंगे, क्लॉक फीचर में सबसे पहले आता है अलार्म, तो अलार्म आप यहाँ से खुद भी सेट आउट कर सकते हैं कितनी देर का आपको अलार्म रखना है, कितने बजे का रखना है, तो मैनुअली आप यहां से भी सेट आउट कर सकते हैं। बाकी वो चीज़ में नहीं होता था, इसमें आपको मैनुअली यहां से सेट आउट करने की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। अगर आपने चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, अगर डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैं वन बाय वन सारे ही यहां से डिलीट कर देता हूं, और यहाँ से आपको ऐड की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है। तो अलार्म आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं। देन आता स्टॉप वॉच, यहीं से रन होगी, यहाँ से आपको स्टॉप करनी है, यहाँ से रीसेट होती है और बैक कर देना है। यहाँ से बैक करने के बाद टाइमर आएगा, टाइमर जितनी देर का आप रन आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद आता है वेदर, म्यूज़िक, देन आता है कैमरा, कैमरा फीचर्स को ये फोटो क्लिक करने के लिए होता है। जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे तो आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा मोबाइल पे, और उसके साथ आप देन आता है फ़ोन फाइंडिंग, फ़ोन फाइंडिंग के बाद आपको सेटिंग फीचर देखने को मिलता है। तो ये इसमें आपको फीचर देखने को मिलते हैं, इसके अलावा आपको इसमें एलेक्सा फीचर्स भी देखने को मिलता है जो कि स्पीकिंग के लिए होता है। जैसे आपने कोई किसी कमांड को रन आउट करना है तो वॉइस कमांड हम जैसे कह सकते हैं, तो वो एलेक्सा फीचर भी आपको इसमें देखने को मिलता है। हालांकि मेरा अमेज़न पे अकाउंट नहीं है तो मैं उसके बारे में आपको प्रॉपरली गाइड नहीं कर सकता। बैक साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मेड इन PRC, आर्टिकल नंबर देखने को मिल जाता है PP07, IP68 प्लास्टिक केस है, PP01 जब लिखा आता है, जब PP वर्ड जो लिखा आएगा तो वो प्लास्टिक केस होगा, AP आएगा तो वो प्लास्टिक के स्क्रैप के साथ मेटल की बॉडी होगी। इसके अलावा आपको जो प्रोडक्ट का सीरियल नंबर और उसके जो अदर इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है, फास्ट ट्रैक का लोगो आता है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मेड इन PRC पर डिज़ाइन जो किया गया वो इंडिया में, डिज़ाइन इन इंडिया, यानी कि जो ये प्रोडक्ट है वो PRC का है लेकिन इंडिया में डिज़ाइन होता है। सेंसर्स की जो आपको लुक है वो प्रॉपरली यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और सेंसर की पकड़ भी काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ से आपने बस ये रिमूव कर लेना है, उसके बाद इसको रन आउट करके देखना है। और अगर हम बॉडी की क्वालिटी की बात करें तो मैट फिनिश में दी गई है इसकी बॉडी, प्लास्टिक में है तो प्लास्टिक में इसका कलर जाने के चांसेस नहीं होते। और यहाँ से आपको स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, दो स्पीकर हैं इसमें। अब आपको मैं इसकी कॉलिंग फीचर भी चेक करा दूंगा, तो उसके लिए आप मुझे दूसरे मोबाइल पे इसे कनेक्ट करना होगा, साथ ही साथ टेस्टिंग भी हो जाएगी कि अगर हम किसी दूसरे मोबाइल पे इसे कनेक्ट करते हैं तो क्या रीसेट करने की ज़रूरत है या नहीं। तो ये मैंने फास्ट्रैक रिफ्लेक्स वर्ड ऐप इसमें इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं इसे साइनअप के लिए ले जाता हूँ, आई हैव एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन डिसेबल करना मैंने बताया था, ज़रूरी होता है, अलाउ कर दिया। यहाँ से मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, OTP आएगा, OTP डालेंगे तो ये वेरीफाइड हो गया। देन आ गया परमिट अलाउ कर दिया मैंने। सेकेंड आया लोकेशन रिक्वायर्ड, अलाउ करना। लोकेशन की ज़रूरत होती है कि कस्टमर पूछते हैं कि बाद में हम अगर लोकेशन को हटा देते हैं तो लोकेशन हटाते ही आपका जो कनेक्टिविटी है वो बाद में वर्कआउट नहीं करेगी, लोकेशन सर्विस को आपको ऑन करना ज़रूरी होता है। तो ये मैं QR कोड को स्कैन कर लेता हूँ यहाँ से, तो मैंने इसे मैनुअली भी कनेक्ट करने की कोशिश की लेकिन नो डिवाइस फाउंड आता है। तो अब हम इस वॉच को रीसेट कर लेते हैं, यहाँ से मैं जनरल में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको रीसेट कर दूँगा ताकि कनेक्ट कर लूँ मैं दूसरे मोबाइल के साथ। तो वॉच अब रीसेट हो चुकी है, मैं QR कोड स्कैन किया और यहाँ से स्कैन होते ही मेरे को कनेक्टिविटी का शो होना शुरू हो गया, पेयर सक्सेसफुली होगी वॉच। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल फिलअप कर लेते हैं और परमिशंस को अलाउ कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये देखिए। हेलो, तो ये आप इसकी वॉइस क्वालिटी देख सकते हैं कि वॉइस क्वालिटी यह कि बिल्कुल पास में है फ़ोन, इसलिए स्पीकर से आपको आवाज़ आएगी, तो ये इसमें वॉइस की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी हम एक कोई वीडियो ऑन करके देख लेते हैं कि इसकी वॉइस वॉच में क्या है नहीं। तो ये देखिए, आपको वॉच की वॉइस नहीं करने को मिलेगी क्योंकि वॉइस आ रही है मोबाइल में से। यहाँ से सिर्फ आप इसे स्टॉप कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, वॉइस कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, या फिर वीडियो को आप चेंज करना है तो नेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ से नेक्स्ट वीडियो प्ले हो जाएगी। तो मैं एक बार फ़ोन की ब्लूटूथ सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ से चेक कर लेते हैं कि जो वॉच कनेक्टेड है, ये देखिए मैं वॉच को कनेक्टेड का ऑप्शन देख रहा हूँ। इसमें फ़ोन ऑडियो आ रहा है लेकिन मीडिया ऑडियो नहीं आ रहा है, ऐसे ये देखिए मैं दूसरा आपको शो करता हूँ, इसमें मीडिया ऑडियो है लेकिन उसमें फ़ोन ऑडियो है, मीडिया ऑडियो नहीं। वेयरिंग में जैसे कि एकदम कंफर्ट है और प्लास्टिक केस है तो वजन भी बिल्कुल नहीं,
लाइट वेट होने के साथ साथ आप ये देखेंगे कि अगर मेरी वॉच आगे अंदर के पोजिशन में थी तब भी हैंड मूवमेंट पे आपको टाइम विजिबिलिटी हो रहा था। तो क्योंकि इसमें फीचर होता है लिफ्ट टू व्यू, कई कस्टमर कहते हैं आई सेंसर है, आई सेंसर नहीं होता, लिफ्ट टू व्यू होता है। जस्ट स्लाइड आउट करते हैं आप तो टाइम विजिबिलिटी ऑन हो जाती है। ये एक बीच में इंटरनल फीचर ऐड ऑन किया गया और इसके लिए सेंसर ऐड ऑन होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लूप्स की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जो पोर्शन है यहाँ से इंटरनल पोर्शन में शिफ्ट कर दिया जाता है स्ट्रैप का। तो वॉच में अगर वियरिंग के हिसाब से देखा जाए तो एकदम परफेक्ट लुक और अच्छी वॉच देखने को मिल जाती है फास्टट्रैक की। है 4295 की इसकी प्राइस रेंज है, अभी लेटेस्ट है तो इसका जो ओवरऑल रिव्यू है वो तो हम यूज़र्स के बाद ही बता सकते हैं, लेकिन विदाउट यूज़र्स ये एकदम परफेक्ट वॉच लग रही है फास्ट ट्रैक में। स्ट्रैप की क्वालिटी अच्छी है लेकिन मैं आपको बता दूँ प्लास्टिक केस है तो आप इसमें मेटल के स्ट्रैप को मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम एक ऐसे मैंने 2-3 केसेस देखे हैं जिनमें प्लास्टिक के जो पोर्शन है यहाँ से ब्रेकेज होने के चांसेस आते हैं, तो वो मेटल के स्ट्रैप एड ऑन होते हैं तो ही हो सकता है ऐसा। फिर भी आप प्रिकॉशन रखें, जितना ज़्यादा उतनी ही आपकी वॉच की लाइफ बनी रहेगी। और 100% कभी भी चार्ज मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि 90 से अबव हो ही ना चार्जिंग। तो चार्जिंग में आप इसमें देख सकते हैं जैसे ही आप चार्जिंग लगाया हुआ है तो यहाँ पे आपको परसेंटेज एंड टाइम विजिबल रहता है डिस्प्ले पे। तो जैसे आपको देखने को मिल जाए कि 90% हो गया या 95% हो गया तो 95 लास्ट रखें, कोशिश कीजिए उससे ज़्यादा ना हो। तो एक अच्छी लुक, एक अच्छे फीचर्स आपको इस फास्ट ट्रैक की वॉच में देखने को मिल जाते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।